उत्तरी भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तपोस्थली शाहतलाई में लगे चैत्र मास मेले के दौरान पंजाब राज्य से आए हुए एक युवक की सरहाली खड्ड में डूबने से मौत हो गई। दोपहर करीब 2:30 बजे के करीब जयप्रीत अपने परिवार के साथ खड्ड शाहतलाई में नहा रहा था, लेकिन अचानक जयप्रीत गहरे पानी में चला गया, जहां पर पहाड़ी से सटी हुई नदी के पत्थर के नीचे फंस गया। मृतक युवक के पिता सतपाल भी साथ ही नहा रहे थे, इन्होंने शोर मचाया, तब जाकर कुछ युवकों ने जयप्रीत को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जयप्रीत को शाहतलाई में प्राइवेट अस्पताल में शाम के करीब ले जाया गया, लेकिन उन्होंने गंभीर स्थिति को देखते हुए बड़सर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन बड़सर में भी डॉक्टरों ने जयप्रीत को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पंजाब राज्य पटियाला के मजीदुपुर गांव के रहने वाले जयप्रीत बुधवार को अपने परिवार व अन्य सगे संबंधियों के साथ बाबा बालकनाथ मंदिर के दर्शनों को आए हुए थे। बुधवार रात्रि को माथा टेकने के बाद पीरनिगाह ठहरे थे और वीरवार को शाहतलाई पहुंचे थे। जयप्रीत जहां अपने परिवार के साथ बाबा बालकनाथ में माथा टेकने आए थे, परंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। मृतक युवक के पिता के अलावा अन्य सगे संबंधी भी साथ आए हुए थे, जबकि मृतक जयप्रीत का बड़ा भाई और माँ यात्रा पर साथ नहीं आए हुए थे। सहायक मेला अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट पूर्णचंद ने मौके पर जाकर बड़सर अस्पताल में पीड़ित परिवार को फौरी तौर पर 40,000 रुपए की राहत प्रदान की है। वहीं इस मामले में पुलिस मेला अधिकारी व डीएसपी घुमारवीं राजेंद्र जसवाल से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस की टीम मौके पर चली गई है ताकि आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके।